नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी एनएचएम एएनएम 17,000 प्लस पोस्ट भर्ती, महत्वपूर्ण सूचना, नई भर्ती पर प्रभाव, कोड के चक्कर में भर्ती होंगी लेट। यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में क्या मिलेगा फ़ायदा, वेटेज मिलेगा 17,000 जो भर्ती है। दोस्तों, फर्जी अफवाहों से रहें दूर। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, यूपी एनएचएम की तरफ से आप लोगों ने देखा ही होगा कि वेटिंग लिस्ट जो है अभी क्लियर नहीं हुई है और उसके लिए सभी को पता है कि कोर्ट केस हो गया है और उसकी सुनवाई इसी अक्टूबर माह में है। क्या इसी अक्टूबर माह में सुनवाई हो जाएगी? मुझे तो लगता है दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। अब यूपी एनएचएम की तरफ से नई भर्ती जो भी एएनएम जेएनएम स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट इन सब की जो भर्ती आने वाली है, दोस्तों लैब टेक्नीशियन इन सब की जो भर्ती आने वाली है, उस भर्ती पर प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो कोर्ट केस हुआ है दोस्तों, वह 17,000 प्लस पोस्ट पदों पर भर्ती का हुआ है और उस भर्ती में ये सभी पोस्ट हैं। कोर्ट के चक्कर में जो नई भर्ती हैं वो लेट होती चली जाएंगी और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, आप लोग को बता रहा हूँ कि नई भर्ती पर अधियाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नहीं तो जो पद इसमें खाली थे, हो सकता है यूपी एनएचएम की तरफ से वो पद फिर से निकाले जा सकते थे। लेकिन दोस्तों रही बात है वेटिंग, वेटिंग के लिए उसमें एक क्राइटेरिया होती है कि इतने दिन के अंदर जो है वेटिंग अगर क्लियर हो गई तो ठीक है, नहीं तो स्वतः जो है उससे जो है अधियाचन को समाप्त कर दिया जाता है एनएचएम की तरफ से। अब दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, जो 17,000 प्लस पोस्ट में एनम बहन सेलेक्ट हुई हैं, क्या उनको यूपी ट्रिपल एससी एनम जो 5,272 पद ऑनलाइन आवेदन शुरू होने जा रहा है उसमें फ़ायदा मिलेगा, उसका वेटेज मिलेगा? देखिए दोस्तों, जो ये भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको इसका वेटेज का फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो 3 नंबर है, क्योंकि अभी उनका 1 साल पूरा नहीं हुआ है और 1 साल पूरा होने से पहले ही ऑनलाइन आवेदन के लिए जो है यूपी ट्रिपल एससी एनम यूपी ट्रिपल एससी ने जो है अध्याचन निकाल दिया है, तो जिन अभ्यर्थियों का 1 साल पूरा हो गया है उनके लिए तो ठीक है, जिनका नहीं पूरा हुआ है वो जो है फ़ायदा नहीं पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि वो लोग जो है इस चक्कर में ना रहें। जो पुराने संविदा कर्मी एनम बहन हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो सावधानीपूर्वक आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। अगर वहाँ पे पूछते हैं क्या आप संविदा कर्मी हैं, कितने साल आपने सेवा दिए हैं, तो आप एग्जैक्ट लिखिएगा दोस्तों। ये नहीं कि जो है मेरा 7 साल 9 दिन हो गया है या 2 साल 9 महीना हो गया या 2 साल 11 महीना कुछ हुआ है, आपको एक एग्जैक्ट लिखना रहेगा वहाँ पे, ठीक है, राउंड फिगर में लिखना रहेगा। जिसे जिसे 2 साल 11 महीना या 12 महीना जो भी है दोस्तों, या 11 महीना 10 दिन, 11 महीना 15 दिन हुआ या 11 महीना 28 दिन हुआ, तो आपको सीधे राउंड फिगर में 3 साल लिखना रहेगा, तब जाके आपको उसका वेटेज मिलेगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं कि 2 साल 11 माह 20 दिन ड्यूटी किए और वो 2 ही साल वेटेज डालेंगे तो 2 ही साल का उनको वेटेज मिलेगा, क्योंकि यह भर्ती का जो है दोस्तों राउंड फिगर में चलता है कि कितने साल आपने नियर अबाउट जो है किया है, और वो भी 75% ईयर का लिया जाता है दोस्तों, इसे 75% से ऊपर का होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें कट ऑफ का कोई मैटर नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी एनएम में जो 1 नंबर पाए हैं वो भी जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यूपी एनएचएम की तरफ से वेटिंग लिस्ट क्लियर होना हमें तो जहाँ तक लग रहा है असंभव है दोस्तों। क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पर जो है दोस्तों कोई मैटर या मुद्दा बन ही नहीं रहा है। बस यही है कि आयोग ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया, एनएचएम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। इसलिए दोस्तों आप लोग से मैं यही कह रहा हूं कि जो भी वेटिंग के अभ्यर्थी हैं इस भर्ती पर एकदम ध्यान ना दें, वेटिंग लिस्ट क्लियर कराने के लिए एकदम ध्यान ना दें, वो नई भर्ती पर लग जाएँ, परमानेंट भर्ती पर लगें दोस्तों, क्योंकि अब की बार फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। पिछली बार तो 16,000 से 17,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दिए थे, लेकिन अब की बार हमें जहाँ तक लग रहा है ये मान कर चलिए कि 50,000 से ऊपर ही अभ्यर्थी आपको मुख्य परीक्षा में मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, संविदा
भर्ती के चक्कर में ना रहें। मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ, अगर संविदा भर्ती के चक्कर में आप रह गए तो आपके हाथ पछतावा के अलावा और कुछ लगने वाला नहीं है। पिछली बार मैंने बहुत से संविदा कर्मियों को समझाया था जिन्होंने मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ा, वीडियो को देखा, आज दोस्तों वो परमानेंट भर्ती परमानेंट पोस्ट पर जो है सिलेक्ट हैं। कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर आपने जो हमें बताया था मैंने वही किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं गोंडा में हूँ, बहराइच में हूँ, बदायूं में हूँ। बहुत अच्छा लगता है सुनने के बाद दोस्तों, अगर कोई भी पढ़ाया हुआ अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाता है। क्या हमने उनसे कोई शुल्क लिया? कुछ नहीं दोस्तों, एक रुपये हमने उनसे शुल्क नहीं लिया है। बस मैंने रास्ता बताया आप ऑनलाइन आवेदन ऐसे करिए, मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, सब कुछ मैंने बताया था। पिछली भर्ती जो 9212 पद आए थे उसमें कोर्ट भी हो गया था दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे, जबकि मैं बच्चों को रास्ता बता रहा था, लेकिन उसके बाद भी लोग मेरे ऊपर फर्जी जो है ज़बरदस्ती बोल रहे थे कि आपने कोर्ट कराया है। दोस्तों मैंने कहाँ से कोर्ट कराया? जब आपके साथ अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, अगर मैं आपको रास्ता बताऊँगा तो वो जो है गलत है कि सही है? बस मैंने रास्ता बताया था बच्चों को कि आप लोग इस तरह से पढ़ाई करिए, ऐसे करिए। उसके बाद कोर्ट का चक्कर जो था दोस्तों वो रजिस्ट्रेशन मैटर का चक्कर था, कई चक्कर थे उसमें, भर्ती लेट लपेट हुई थी। लेकिन आप लोगों के अच्छा उसमें पैट भी लोग मांग कर रहे थे कि PET ना लागू हो, इसके भी चक्कर में कोर्ट हुआ था। और मैंने बार बार कहा था कि PET 2022 के माध्यम से वो भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को मैं बता रहा हूँ, NHM वेटिंग लिस्ट है। ANM बहन एकदम ध्यान ना दें, अपनी तैयारी शुरू कर दें, जो डॉक्यूमेंट उनको बनवाना है डॉक्यूमेंट बनवाएं और कोर्ट के चक्कर में ना पड़ें। मैं तो यही कहूँगा, अगर कोर्ट के चक्कर में आप पड़ी तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपका ये भी निकल जाए। पता नहीं वो भर्ती क्लियर होगी कि नहीं होगी, मुझे तो लगता है वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी जहाँ तक लगता है। और 5272 जो पद आए हैं मैंने बार बार कवरेज किया है, बार बार आप लोग को बताता रहा कि आप लोग एकदम सतर्क रहिए, कभी भी आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन भी आ गया है, अब आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फर्जी अफवाहों से एकदम दूर रहिएगा। और जो 17,000 वाले अभ्यर्थी हैं उनको UP SSC ANM नई भर्ती में वेटेज नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो वेटेज का इंतजार ना करें, अपनी तैयारी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।